पवन आया तुम ना आए। आलम आए बसो मोरे मन में, आलम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हूँ कयूं ठक जब, मन में मोरे हूँ कयूं ठक जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो। ओ, तो तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी। तो फिर यहाँ क्यों आ गई? मुझे मेरे देवता ने बुलाया इसलिए मैं आ गई। ये क्या बात पार्वती, तुम्हें अपने फराइज को नहीं भूलना चाहिए। ये बुरी बात है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बेशक तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। तुम जानती हो कि वह कितनी खूबसूरत है। सूरतिया जा की मतवारी, सूरतिया जा की मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी, सूरतिया जा की मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, जिनके दो नैनन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। हाँ मैं उसे जानती हूँ। ओ तुम उसे जानती हो है? हाँ मैं उसे जानती हूँ। तो वो कौन है? तुम्हारे महल के पास एक छोटा सा झोपड़ा। अच्छा। उसमें एक छोटी सी लड़की, उसका नाम है पार्वती। क्यों वही है ना? ओ, तो तुम्हारा ये ख्याल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही हो। पारू, गरूर का सिर नीचा होता है। तुमने फिर मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। क्या झगड़ा मैं करता हूँ? झगड़ा तो तुम ही कर रही हो, और अब की खामोश ना रही तो पिट भी जाओगी। मुझे पीटोगे? क्यों नहीं, क्या बचपन का जमाना भूल गया? लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। ओफो, बहुत बड़ी हो गई हो, क्या कहने। लेकिन दुनिया की नजर में तो मैं बच्चा नहीं हूँ, और शादी हो जाने के बाद मैं श्रीमती पार्वती कहलाऊंगी। देवदास, अब मजाक छोड़ो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछना है। क्या? तुम कलकत्ते जा रहे हो? कलकत्ते? हाँ मैंने सुना है तुम जा रहे हो। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने? जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जबरदस्ती भेजा गया तो?
जबरदस्ती? नहीं पार्वती, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। क्या कहा? पिताजी, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तुमको जाना पड़ेगा। मगर खामोश, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्त दुर्गादास को लिख चुका हूं, वो तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन धर्मदास, देवदास, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें खानदानी लड़के हो, इतने बड़े जागीरदार के फर्जंद हो, तुम्हारे लिए कॉलेज की तालीम हासिल करना निहायत जरूरी है। कल सुबह 10 बजे की गाड़ी से तुमको जाना पड़ेगा, सुना? माता जी, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुमको इतनी दूर भेजा जाए, लेकिन क्या किया जाए। मैंने सुना है कि जब तक कॉलेज में रहकर पढ़ाई न की जाए, आदमी तालीम याफ्ता नहीं कहला सकता। भैया, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम कलकत्ते क्यों जाओगे? तुम यहाँ रहकर आवारागर्दी करोगे, दिन भर ताश और शतरंज में वक्त जाया करोगे, तरह तरह की शरारतें करोगे। तुम कलकत्ते तालीम हासिल करने के लिए क्यों जाओगे? सचमुच मुझे छोड़कर जा रहे हो? फरमा बरदारी, रस्म रिवाज, दुनियादारी, फराइज, समाज। देवदास, तुम नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। फुलवाड़ी जब फूल खिले तो भूल नहीं समाती है, अपनी अपनी सुंदरता पर कली कली जित गाती है। शबनम जो रो रो कर, शबनम हर फूल को ये समझाती है। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, एक मुसाफिर आना है दुनिया, एक मुसाफिर आना है, एक मुसाफिर आना है दुनिया, एक मुसाफिर आना है। मोह जाल में फंस कर मूरख, मोह जाल में फंस कर मूरख, फिर पाछे पछताना है। गाफिल एक दिन सबको जाके इतना कह कर जाना है। गाफिल एक दिन सबको यहाँ से इतना कह कर जाना है। अफसोस ना जाना था के जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर।
देवदास आ गया। तुम्हारे पिताजी तो अच्छे हैं? जी हाँ, सब अच्छे। हाँ आओ, तुम्हें अपने लड़कों से मिला दूं। अच्छा, ये देवदास कौन है? बाबूजी के एक बड़े अमीर दोस्त का लड़का, कलकत्ते में तालीम हासिल करने के लिए आया है। तालीम? हुजूर के लिए एक नया सिक्का। ओह तो क्या कहते हो। क्या यही देवदास हैं? हाँ। बैठो, आराम करो। चिढ़ गया, क्यों बेचारे को नाराज कर दिया? धर्मदास, कहो वो लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? हंसने दो, शहर वाले देहात वालों पर हंसा ही करते हैं। वो नहीं जानते कि शायद ईश्वर उन पर हंसता हो। हंसने दो। आओ। क्या हुआ मिस्टर देवदास, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्यों? लो लो, तकल्लुफ छोड़ो। आप मैं चुनीलाल हूं, बीमा कंपनी का एजेंट। ये केदारनाथ शांति मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। तुम्हें चाहिए है कि तुम भी मुझे अपना खास दोस्त समझो। अच्छा, तो उस वक्त वो लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? हंस क्यों रहे थे? तुम्हारा लिबास देखकर हंस रहे थे। ये यहां नहीं चलेगा। क्यों? अच्छा, ये यहां चलने के काबिल है? ये धोती, ये गंजी, ये कोट, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसमें क्या बुराई है? सुनते जाते हो, ये धोती नहीं चलेगी, गंजी, ये इस गंजी के अगर कोई कोट पहनता है? ये शहर है, शहर देहात नहीं है, समझे? यहां तुमको सूट बूट में रहना होगा। हाँ, इत्मीनान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा फिट हुआ है। भाई वाह हुआ। भाई वाह हुआ, तुम्हारे हाथ में ये हीरे की अंगूठी क्या खूब जेब देती है। क्या बात है, सचमुच? अरे कुछ ना पूछो, नहाए खूब। अच्छा देवदास, तुम जरा गाड़ी में बैठो, मैं इसकी कीमत तय कर लूं। इसकी कीमत क्या होगी? अजी आपसे क्या ज्यादा लेना, 800 रुपए सिर्फ आपसे। एक काम करो, रसीद 1000 रुपए की बनाओ, ना तुम्हारा नुकसान हो ना हमारा। बहुत अच्छा। मुझे मत देना। भाई वाह वाह, तुम नहीं पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। क्यों?
मैंने सुना है कि ये बुरी चीज होती है। वाह वाह। ये क्या चावल उबल रहे हैं और तुम्हें खबर ही नहीं? क्या सोच रही थी, कलकत्ते से कोई खत नहीं आया ना? नहीं, कलकत्ते से कोई खत नहीं आया। पार्वती, मुझे देवदास के बारे में कुछ अंदेशा है। क्यों? मर्द अक्सर भूल जाया करते हैं। आंख हुई ओट, दिल में आई खोट। मेरा देवदास औरों की तरह नहीं, ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन वो आपकी छुट्टियों में दोस्तों के साथ मसूरी क्यों चला गया? यहाँ क्यों नहीं आया? अब की जरूर आएगा। मेरा देवदास औरों की तरह नहीं। देवदास अब जवान हो गया है, अब तो उसकी शादी। पार्वती की माँ आज बात लेकर आई थी, कहती थी अगर पार्वती की शादी देवदास के साथ। तो फिर तुमने क्या कहा? गलत, मैं क्या कह सकती थी? माना के दोनों में बड़ा मेलजोल है, लेकिन उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? बेशक, खानदान भी तो कोई चीज है। तुमसे किसने कहा था कि तुम खुद आकर वहां बातचीत छेड़ो? जिसको गरज होगी वो खुद आकर यहां ना बिगड़ेगा। पार्वती के लिए मुझे कितनी ही जगहों से बातचीत आ चुकी है और मैंने किसी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती जैसी लड़की के लिए भी तलाश की जरूरत है। मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर अपनी लड़की की अच्छी से अच्छी जगह शादी कर दिखा दूंगा। तुम आ गए देवदास? हाँ। ये सब क्या है? तो क्या ये लिबास तुम्हें पसंद नहीं? तुम औरों की तरह क्यों बन गए देवदास? अच्छा पार्वती, मैं तुमसे कल मिलूंगा। पार्वती की शादी होने को है। कब? इसी महीने में, बात तय पा चुकी है। कहाँ? मैं तो नहीं जानता। तुम कैसे जान सकते हो? दूल्हा बूढ़ा है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है, अब दूसरी मर्तबा शादी कर रहा है। हाँ, सुना है बड़ा अमीर आदमी है और वर्तमान में उसकी बड़ी भारी जागीर है। पार्वती आयश करेगी। वो चाहते तो थे कि पार्वती की शादी तुमसे। मुझसे? मुझसे? फिर? मगर ये कैसे हो सकता है? उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? मैंने तुम्हारे पिताजी से गुफ्तगु की थी। हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा? यही कि कुछ भी हो, हम अपने खानदान को बट्टा लगाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर इसका इलाज मनोरमा, क्या तुमने खुद अपना वर पसंद किया था? मेरी बात छोड़ो, ना तो मैंने पसंद किया था और ना पसंद है। लेकिन बहन, तुमने तो खुद अपने पांव पर आग कुल्हाड़ी मार ली। दूल्हा की उम्र क्या है? किसका दूल्हा?
अरे तुम्हारा और किसका? यही 20-22 बरस। क्या मतलब? मैंने तो सुना है कि उसकी उम्र 40 बरस की है। होगी मनोरमा, दुनिया में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 बरस की है, मगर मेरे पास इसका हिसाब नहीं। हाँ, मेरे दूल्हा की उम्र 20-22 बरस की है और मैं इतना ही जानती हूँ। और तुम्हारे 20-22 बरस के दूल्हा का नाम देवदास है? ये तुम क्या कहती हो? मैं देवदास से पूछ लूँ, फिर तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। क्या पूछोगी? कि वो तुमसे शादी करेगा या नहीं। हाँ यही। तुम क्या कह रही हो? तुम खुद ये बात पूछोगी? तुम्हें लाज ना आएगी? लाज? मुझे तुमसे कहते हुए लाज नहीं आई मनोरमा। अरे मैं एक औरत हूँ और तुम्हारी सहेली हूँ, लेकिन वो एक गैर मर्द। गैर मर्द? पार्वती, तो क्या तुम उससे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में जगह दो? हाँ बिल्कुल यही बात। और अगर उसने ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा मनोरमा? यह मैं नहीं जानती। देवदास? कौन? पार्वती? हाँ पार्वती। इतनी रात गए और बिल्कुल अकेली? हाँ अकेली। क्या तुम्हें किसी का डर नहीं? मैं भूतों से नहीं डरती देवदास। हाँ हाँ, भूतों से नहीं, लेकिन इंसानों से तो डरती हो। आज मालूम होता है आज मैं किसी से नहीं डरती। तुम हमारे घर में दाखिल कैसे हुई? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? हाँ देखा है, दरवान ने। दरवान ने? क्या वो पहचान गया? वो मुझे पहचानता है। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? छी पार्वती, कल दुनिया को कैसे मुंह दिखा सकोगी? कल शर्म से तुम्हारी गर्दन उठ सकेगी? क्यों नहीं देवदास, मैं इस गर्दन को कभी ना उठा सकती अगर ये जानती कि इसको सहारा देने वाला मौजूद नहीं। लेकिन मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम पुरुष हो देवदास, आज नहीं कल लोग तुम्हारी बातों को बिल्कुल भूल जाएंगे, और ये भी भूल जाएंगे कि कब और किस रात बदनसीब पार्वती तमाम दुनिया को ठुकराकर तुम्हारे चरणों में जगह लेने के लिए आई।
लेकिन लेकिन तुम्हारी बदनामी? मेरी बदनामी? देवदास, अगर मेरी बदनामी इसलिए होती है कि मैं तुमसे छुप छुप कर मिलने के लिए आई हूँ तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम रो रही हो? देवदास, नदी में इतना पानी है, क्या मेरे कलम को ना धो सकेगा? क्या मेरे सिवा और कोई चारा नहीं? पारु? क्या? मेरे वालदेन इसके खिलाफ हैं। सुना, तुम जानती हो? मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। तो क्या मैं उनकी उदूल हुक्मी करूं? क्या हर्ज है? तो फिर तुम रहोगी कहां? तुम्हारे चरणों में। चलो, तुम्हें घर छोड़ा हूं। तुम मेरे साथ जाओगे? तुम्हारे साथ जाऊंगा। शायद दुनिया मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ देखकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दे। चलो। तुम हमेशा मेरे लिए बायस आजाद रहे। तुमने मेरा नाक में दम कर रखा है। मैं तुम्हारी करतूत सुन चुका हूँ। देवदार, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तुमसे ये उम्मीद न थी। इस नालायक से और क्या उम्मीद हो सकती थी? तू सारे खानदान के नाम को डुबो कर ही चैन लेगा। धर्मदास, देवदास, ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा जा रहा है। वालदेन की फरमाबरदारी बच्चों का फर्ज है। वालदेन, फरमा बरदारी। अच्छा धर्मदास, चलो कलकत्ते चलो। खानदानी रस्म व रिवाज को तुम्हारी मोहब्बत के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। इसलिए तुम मुझे भूल जाने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने की। परमात्मा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा देवदास। बीत गई तारी नया दामन कामी, उमदिया बीत गई तारी, उमदिया बीत नया दामन कामी, उमदिया बीत गई उमरिया भी आहट
पाकर कोई गदारी कहते हैं लोगों आते हैं हाथ पाकर कोई गदारी कहते हैं लोगों आते हैं दो का खाले वाले नैना हर दम धोखा खाते हैं ये धोखा खाले वाले नैना हर दम धोखा खाते हैं आशा और निराशा में इस राशा और निराशा में तब गजी जुमदिया भी तुम कौन हो पार्वती खुश रहो नाही पड़त मोहे पीवे न चैन पी के दरस को ना ही पड़त मोए पी बिन जैन पी के दरस को तर सतन ना ही पड़त मोए पी बिन जैन के दरस को तरसत नैना पल पल चिन चिन ढलते पल पल चिन चिन ढलते ढलते गई जो मनिया भी नारा मन का भी उमरिया भी गई सारी मैं शराब नहीं पीती रोशन है तेरे दम से दुनिया का परिखाना रोशन है तेरे दम से दुनिया का परिखाना रोशन है तेरे दम से दुनिया का परिखाना अल्लाह तुझे रखे जलवाए जाना अल्लाह तुझे रखे वो जलवाए जाना रोशन है तेरे दम से दुनिया का परिखाना रोशन है तेरे दम से क्या जलवा गदी है ये वो मस्त नजर वाले जलवा गरी है ये वो मस्त नजर वाले पैमाने के अंदर है पैमाने का मखाना पैमाने के अंदर है मखाने का मखाना रोशन है तेरे दम से दुनिया का परिखाना रोशन है तेरे दम से राहत के तासुब से सब सफर का बर्बाद राहत के तासुब से सब सफर का बर्बाद वरना बुतखाने में काबा है काबे में है बुतखाना बुतखाने में काबा है काबे में है बुतखाना
अरे चलो ना, वहाँ चलो ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो 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 चलो। आइए आइए मैं अभी आता हूँ। आओ बैठो। आज तुम कुछ उदास मालूम होते हो, क्यों? चुनीलाल तुम उदास नहीं हो? नहीं तो? तुम्हें रंजोगन से कभी सबका नहीं पड़ा? कभी नहीं? इस गुप्तगू से तुम्हारा मकसद? कुछ नहीं। मुझे ऐसी बातों से जरा दिलचस्पी है। ओ अच्छा, तुम रातों को कहाँ गायब रहते हो? क्या तुम नहीं जानते हो? जानता तो हूँ लेकिन अच्छी तरह जानना चाहते हो। देखो इसके लिए तुम्हें चुन्नीलाल बनना पड़ेगा। तैयार हो? सुना है कि वहाँ खूब ऐश होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्या मैं वहाँ जाकर अपना हम गलत कर सकता हूँ? भाई वाह वाह, अचल तो रहे, खुद ही देख लोगे। चुनीलाल तुम मुझे ऐसी बेहुदा जगह में क्यों ले आए? वहां गए? आ गए? कौन? भाई वाह, तो वो जो तुमसे कहा था? कहा था? हाँ मुझसे? हाँ कब देखा? भूल गया। अच्छा आओ बाहर आओ। हाय बाहर? हाँ क्यों? बताता हूँ तुमको। समझ गया। चलो भाई जैसी जाकी मर्जी साईं। हो
خوب بقول شخصے ہو مزے میں. اور بھائی چننی لال واللہ تمہارا بھی دم غنیمت. ارے بھائی آؤ رفو چکر ہو جائیں. بلا ٹلی بیٹھو بیٹھو. ذلیل طوائف. देखा मैं भूल ही आया भूल ही आया. मैं अभी आता हूं अभी आता हूं. तुम रुपया चाहती हो? ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए. तशरीफ अशरीफ छोड़ो, तुम रुपया चाहती हो ना? रुपये न लूं तो गुजारा कैसे हो? मुझे तशरीफ की जरूरत नहीं. क्या आप जा रहे हैं? छोड़ दो. अरे जाने दो, छोड़ दीजिए. अरे जाने दो कभी मार जाऊंगा. अरे नहीं ऐसा ना करो. कितना छोड़ अरे नहीं. देवदास क्यों कहां चले? घर. इतनी जल्दी? हाँ. अच्छा चलो. मगर भाई एक जरा ठहर जाओ, मैं जाऊंगा फौरन लौटाऊंगा. तुम बाद में आना, मैं जाता हूं. भाग गया, गया. डर गया. आपके दोस्त चले गए? हाँ चले गए. ये देखो, अगर मुनासिब समझो तो ये उन्हें वापस दे दो. भाई वाह वाह, अब खुशी से तुम्हें दे गया है, रख लो. अच्छा चुन्नी, क्या उनके दिमाग में कुछ फतूर है? बिल्कुल नहीं. हाँ चंद्रोस से कुछ परेशान सा नजर आता है. तुम कुछ जानते हो कि वो क्यों परेशान है? ये तो मैं नहीं जानता. हो सकता है कि उसके मकान से कोई ऐसी वैसी खबर आई हो. तो फिर तुम उन्हें यहाँ क्यों ले आए? भाई वाह, ये अच्छी कही. अब वो कोई दूध पीता बच्चा था जिसे मैं जबरदस्ती यहां उठा लाया? अच्छा चुन्नी, एक काम कर दोगे? क्या? उन्हें एक बार फिर यहां ला सकते हो? ये शायद ना हो सके, इसलिए कि न तो वो कभी ऐसी जगह गया है और ना शायद यहाँ आ गए. चुन्नी, जिस तरह भी हो सके उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ. भाई वाह वाह, वो घुरकियां दें और तुम मोहब्बत करो. क्यों ना हो, देखो ना वो किस तरह दौलत उड़ा रहा है.
तुम ऐसी औरत नहीं हो। बनती क्यों हो, सच सच बताओ ना। सच पूछो तो उनसे कुछ उन्स हो गया है। इतने जल्दी बुखार चढ़ गया? मजाक छोड़ दो, जिस तरह हो सके उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ। अच्छा, कोशिश की जाएगी। कोशिश वोशिश नहीं, तुम्हें मेरे सर की कसम, उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ। बाप रे बाप। अच्छा लाऊंगा। अब एक मर्तबा क्या, 100 मर्तबा लाऊंगा, 1000 मर्तबा लाऊंगा, 20 मर्तबा लाऊंगा। पार्वती, पार्वती मैं आ गया, मैं आ गया। किस लिए? क्या उस रोज की बातें याद है पार्वती? हाँ याद है, मगर उन बातों से फायदा? मुझे माफ करो पार्वती, मैं उस वक्त इतना नहीं समझता था। जाने दो, छोड़ो इन बातों को। पार्वती, मैं जिससे भी हो सका अपने वालदेन को राजी कर लूंगा, सिर्फ तुम। अपने वालदेन को रजामंद कर लोगे, मगर मेरे भी तो वालदेन हैं और उनकी भी रजामंदी निहायत जरूरी है। बेशक, मगर वो तो इसके खिलाफ नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो इसके खिलाफ नहीं है, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। नहीं पारो, नहीं, वो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ तुम। सिर्फ मैं तुम्हारे साथ। ठीक पार्वती, क्या तुम मुझे भूल गई हो? भूल क्यों जाऊंगी, बचपन से जिसके साथ परवरिश पाई है और जिससे हमेशा डरती रही हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ? क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो? तो क्या इतनी मुद्दत तुम मुझसे सिर्फ डरती ही रही हो, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तुम सच कह रही हो पार्वती? हाँ सच कह रही हूँ। अब तुम पर जरा भरोसा नहीं। जिससे मेरी शादी हो रही है वो धनवान है, बुद्धिमान है, मेरे माँ बाप को मेरी खुशी का ख्याल है। वो मेरा हाथ तुम जैसे नादान और निकम्मे के हाथ में नहीं दे सकते। इतना गुरूर? क्यों नहीं, तुम गुरूर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे पास सूरत है, सीरत नहीं। मेरे पास सूरत है और सीरत भी है। तुम बड़े आदमी हो, लेकिन मेरा बाप भी तो भिखारी नहीं, और चंद रोज बाद मैं भी दौलतमंद कहलाऊंगी। तुम सोच रहे हो कि मुझे बर्बाद कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, जाइए, जो दिल में आए कीजिए। तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ? कैसे? मुझ पर झूठी तोहमत लगा सकते हो, मुझे रुसवा कर सकते हो। रुसवा? हाँ, यही मौका है मुझे बदनाम करने का। उस रोज रात को मैं अकेली तुम्हारे यहाँ आई थी। जाओ ये खबर लोगों में फैलाओ, मेरी रुसवाई होगी और तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा। तुम पर झूठी तोहमत लगाकर अपना कलेजा ठंडा करूँ मैं? सुनो पार्वती, ज्यादा खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे इंसान मगरूर हो जाता है। देखती हो चांद के चेहरे पर भी दाग है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर भी एक दाग का होना जरूरी है। छी, रो मत पार्वती, आज आखिरी मुलाकात के वक्त अपनी निशानी ये दाग तुम्हारे चेहरे पर दिए जाता हूँ। कभी कभी यह खूबसूरत चेहरा आईने में देखोगी तो। ये तुमने क्या किया देवदास? कल ही मेरी शादी है।
नाराज हो गए देवदास, क्या मुझे माफ कर सकते हो? माफ? देवदास तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता पारु, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जवान जहान लड़की, दो दिन बाद शादी हो जाएगी, तुमने उसे अकेले तालाब पर क्यों जाने दिया? क्या तुम सठिया गई हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सुनेगा कौन जब तुम किसी से न कहती फिरो? अरे हाय, गोया सबसे कहते फिर ना ही मेरा काम है? अच्छा बताओ तो क्या क्या बातें किस किस से कहती फिरी हूँ? उस दिन नंद किशोर के यहाँ कितना बड़ा किस्सा हो गया, मैंने तुम्हारे सिवा और भी किसी से कहा है? कृति क्या है देखो, है ये क्या गजब हुआ, ये चोट कैसे लगी? गिर पड़ी थी, पत्थर से चोट लग गई। जी, मैं मोहन हूँ, आपका लड़का। जीते रहो। हमारी माँ तो गुजरे, आज 2 बरस हो गए, तब से हम नहायत परेशानी से दिन काट रहे हैं। आज आप आ गई, अब आप इस संसार और उदास घर को रौनक बख्शिए, और ये दुआ कीजिए कि हम आपके देर साया राहत और आराम की जिंदगी बसर कर सके। यशोदा कहाँ है? हाँ, वो अपने ससुराल में रहती है, उसे बुलवा भेजा था लेकिन वो आ न सकी। आ न सकी या खुद ही ना आई? ये सब कुछ तुम्हारा है, आज से तुम इस घर की मालिक हो। अच्छा मोहन, मोहन बड़ा नेक लड़का है, और यशोदा वो तो एक देवी है। देखो अगर जरा सा तुम उसका ख्याल। मैं जानती हूँ कि मोहन मेरा लड़का है और यशोदा मेरी लड़की, और मैं ये भी जानती हूँ कि यशोदा अपनी नई माँ को देखने से पहले ही रूठ कर ससुराल चली गई। लेकिन आप इसका ख्याल ना कीजिए, मैं खुद उसे बुलवा लूंगी। बुलवा लोगी? क्यों नहीं बुलवाऊंगी, वो मेरी अपनी लड़की है, मैं उसे जरूर बुलवाऊंगी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? ये मेरे लिए मुनासिब न था। तुम्हारी शादी तुम्हारे जैसे ही किसी हसीन खूबसूरत नौजवान से होना चाहिए थी, तुम वही जैसे थी। जेब आप नहीं जानते, औरत की सबसे बड़ी जेबाइश खामंद की फरमाबरदारी और रजा जुई में है। ये मैं समझता हूँ, भगवान तुम्हें खुश रखें,
ईश्वर तुम्हें इसका सिलाज जरूर देंगे। बस बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? नए नए पीना सीखे हो, बर्दाश्त न कर सकोगे। चंद्रा, मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूं, ताकि यहां से जाने के काबिल न रहूं, होश न रहे कि तुमसे बातें कर सकूं। लेकिन मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हूं, थोड़ा सा होश बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हें छूता नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। देवदास, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब छूते तक नहीं, फिर भी यहाँ आते हैं। शराब नहीं पीते और फिर भी यहाँ आते हैं? मेरे पास बंदूक होती तो मैं सबको निशाना बना देता, वो मुझसे भी बुरे हैं। ये कैसी आवाज? शहनाई की आवाज है, पड़ोस में किसी की शादी है। बंद कर दो, ये मैं नहीं सुन सकता, दरवाजा बंद कर दो। मुझे मत छुओ, छोड़ दो, मैं अभी होश में हूं। चंद्रा, तुम नहीं जानती कि मुझे तुम लोगों से कितनी नफरत है और हमेशा नफरत रहेगी। दुनिया वाले रात की तारीकी में गुनाह करते हैं और मैं दिन के उजाले में यहां आता। सब्र बर्दाश्त की देवी, तुम क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती हो? बेइज्जती, ताने, जुल्म, मारपीट, लेकिन फिर भी मुस्कुराती हो। एक औरत किस कदर बर्दाश्त की ताकत रखती है, तुम उसकी जिंदा मसाल हो। चंद्रा कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए।
लोग नाटक करते हैं, मुंह पर सफेदा स्याही मलते हैं। कोई राजा बनता है, कोई रानी बनती है, और आपस में कितनी मोहब्बत भरी बातें करते हैं जैसे वो सब सच ही है। मेरी चंद्रा भी नाटक कर रही है और मैं देख रहा हूं। मगर ये फिर पार्वती की याद क्यों आती है? वो कहां चली गई, मैं कहां आ गया? मैंने भी अपनी जिंदगी का नाटक शुरू किया लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो मैं हूं वो नहीं हूं, और जो नहीं हूं वो हूं। शराबी, जबरदस्त शराबी, मतवाला। तुम ही ने मुझे यहां आने का मौका दिया। उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, राहत नहीं, अरमान नहीं, देवदास, अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना भी नहीं समझते कि उनकी नियत में फर्क है? बेटा, वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से लूटना चाहते हैं। धर्मदास, अगर मेरा भाई ये चाहता है कि मुझसे किसी न किसी तरह से 10-20 हजार रुपया बटोर ले तो क्या हर्ज है? आखिर मेरा भाई है। नहीं भैया, नहीं, आजकल इस सच्चाई की दुनिया नहीं। न हो मेरी दुनिया। धर्मदास, मेरी दुनिया कुछ और ही है। ऑन डिमांड आई देवदास मुखर्जी, सन ऑफ लेट नारायण मुखर्जी, प्रॉमिस टू पे। ये महज कानूनी बातें हैं। तुम्हें तुम्हें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती। तुम कलकत्ते जा रहे हो, इस कदर रुपया साथ ले जा रहे हो, किस लिए? रुपया लुटाने के लिए। तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। धर्मदास, वालिद साहब का साया सर से उठ गया। मां काशी जा रही है। पार्वती, वो तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। तुम मेरे साथ कलकत्ते जाना चाहते हो, आखिर क्यों? तुम भूल रहे हो देवदास, तुमको मैंने पाला है। अभी कल का जिक्र है कि तुम नन्हे से बच्चे थे, याद है जब जरा सी भी तकलीफ होती थी तो तुम मेरे ही पास दौड़ कर आया करते थे। धर्मदास, अब भी अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्ही को बुलवा भेजूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे सामने शर्म आएगी। मैं कलकत्ते जाऊंगा लेकिन तन्हा। हीरे का सेट चाहिए या मोती का? वो कैसे जेवरात पसंद करती है? अरे उन्हें तो जो कुछ भी मुफ्त मिल जाएगा पसंद हो जाएगा। धर्मदास, ये तुम क्या कह रहे हो? न खाने पीने का होश है, न सोने का,
सिर्फ शराब है और वो है। तीन तीन चार चार रोज तक न जाने कहां गायब रहते हैं। काफी दौलत तबाह कर चुके हैं और सुना है कि कई हजार के जेवरात किसी को बनवा दिए हैं। धर्मदास, क्या ये सच है? मेरी जिंदगी बदमदा हो रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। पारो, तुम्हारी बात को कभी नहीं डालता, तुम ही उसे समझा सकती हो। पारो, जाओ एक बार उसे जरूर समझाओ। और जो अब बदनाम करूं तो समझा, शर्मा रही हो। देखो ना उस दिन हमसे कैसा बचपना हुआ, तुमने गुस्से में आकर क्या क्या कुछ कह डाला और मैंने तुम्हारे चेहरे को दागदार बना दिया। क्यों हुआ? अच्छा हुआ ना? पार्वती, क्या मुझे वाकई तुम पर बहुत गुस्सा आता है? वारिद का साया सर पर नहीं, मां सब कुछ छोड़कर काशी चली गई, रहे भाई और भावज, उनको तुम अच्छी तरह जानती हो। काश तुम जानती कि मैं कैसे दिन काट रहा हूं। अगर आज तुम यहां होती तो सब कुछ तुम्हें सौंपकर इत्मीनान से जिंदगी बसर करता। तुम रो रही हो? अच्छा, तो फिर और कुछ नहीं कह सकता। नहीं कहो। कल तुम इतनी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। अब एक बहुत बड़े जागीरदार की बीवी हो, बड़ा भारी कुनबा, बड़े बड़े मकानात और बड़ी जागीरदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां और सबसे बड़े हमारे राय साहेब। अच्छा पार्वती, एक काम कर सकती हो क्या? मैंने सुना है कि तुम्हारे बर्दवान में बड़ी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं, क्या मेरे लिए एक लड़की ला सकती हो? मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना घर बार बसाऊं। खूबसूरत हो? हाँ, तुम्हारी तरह। और बड़ी नेक? ना, बल्कि शोक हो, जो मुझसे झगड़ा कर सके, मारपीट कर सके, तुम्हारी तरह। देवदा, वाकई शादी करना चाहते हो? कह तो रहा हूं। देवदास, एक बात कहूं? शौक से। तुमने शराबखोरी कहां से सीखी? मैंने सुना है तुमने किसी को कई हजार के जेवर बनवा दिए। दिए नहीं, बनवाए जरूर है। क्या तुम लोगी? लाओ देखो, मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं। राय साहब के घर में तो जेवरात की कमी नहीं, क्या उन्होंने तुम्हें पहनने के लिए नहीं दिए? दिए थे, लेकिन मैं सब के सब उनकी लड़की को दे देना चाहती हूँ। समझा, शायद तुम्हें जेवरात की जरूरत नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। न मुझे किसी औरत से मोहब्बत है और न मैंने किसी को जेवरात बनवा कर दिए। मुझे यकीन है
लेकिन वादा करो कि अब तुम शराब नहीं पियोगे। ये मैं नहीं कर सकता। पार्वती, क्या तुम वादा कर सकती हो कि मेरा ख्याल तक अपने नजदीक न लाओगी? जाओ पार्वती, अपने घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम वादा करो। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती? क्या हर शख्स हर काम कर सकता है? जो करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरे साथ भाग सकती हो? देवदास, पार्वती, दरवाजा खोलिए। वादा करो। क्या जबरदस्ती वादा कराना ठीक है? इससे कुछ फायदा है? मुमकिन है आज का किया हुआ वादा मैं कल भूल जाऊं। पार्वती, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मैं नहीं जाऊंगी। पार्वती, देवदास, मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। हाँ देवदास, जीना दुश्वार हो रहा है। बचपन से मेरी यही आरजू थी कि तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन कभी कोई खिदमत नहीं कर सकी। अब भी कुछ नहीं दिख रहा पार्वती। तो मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम्हारे साथ चलो, तुम मेरी देखभाल करोगी? यही आरजू है मेरे मन के मंदिर के देवता, एक बार मेरी इस आरजू को पूरा कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा पार्वती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मरने से पहले एक मर्तबा जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। आऊंगा, आऊंगा। जाओ जाओ, अपने घर जाओ। लज्जत असीरी ने किया तीर मुझे, लज्जत असीरी ने
गुलाम में आने का एक बहाना था, उनके दाम में आने का एक बहाना था। के अमीर तो बदला हुआ जमाना था, के अमीर न पूछ उजड़े नशे मन की दास्तान, न पूछ उजड़े नशे मन की दास्तान, पूछ चार दिन के मगर नाम आजियाना था, चार दिन के मगर नाम आजियाना था। बदला हुआ जमाना था, निगाह मेहर के उम्मीदवार हम भी हैं। ये बेसरो सामानी, ये परेशानी, गमगीन सूरत, आखिर क्यों? गमगीन सूरत नहीं देवदास, मेरा तो आज नसीब जाग उठा। आओ, आओ। चंद्रा, चूनी कहाँ है? मैं नहीं जानती, दो माह का अरसा हुआ हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों? दलाली करने आया था, मैंने उसे निकाल दिया। दलाली? दलाली कैसी? गेहूं की। गेहूं की? तुम समझती क्यों नहीं, एक अमीर आदमी को फंसा कर लाया था, 500 रुपए माहवार, जेवरात, एक हवेली, दो दो दरवान, समझे? तुमने अपना पेशा छोड़ दिया, अब गुजर कैसे होगी? मेरे पास 800-900 रुपए की रकम है, जो मैंने एक बनिए को कर्ज दे रखी है, जिसका सूद मुझे हर माह 20 रुपए मिल जाया करते हैं। लेकिन पहले तो तुम्हारी 20 रुपए में गुजर नहीं होती थी। आज भी गुजर नहीं होती, इसलिए सोच रही हूँ कि किसी गांव में चली जाऊं, जहाँ 20 रुपए में गुजारा कर सकूं। तो फिर चली क्यों ना गई? जाने से पहले ये मेरी आरजू थी कि एक बार तुमको एक नजर देख लूं। आज तुम आ गए हो, मैं कल ही जाने का बंदोबस्त करूंगी। तो सिर्फ मेरी ही मुंतजिर थी, ये क्यों? दीवानगी, तुम मुझसे बराबर नफरत करते रहे, इतनी नफरत मुझसे कभी किसी ने भी न की, शायद इसीलिए। देवदास, तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसने आते ही मुझे ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरी आंखें खुल गईं, और मैंने क्या देखा
मैंने देखा कि तुम खड़े हुए मेरी अंधेरी दुनिया को रोशनी पहुंचा रहे हो। मैंने तुम्हें दुनिया वालों से बहुत ऊंची जगह पे पाया। और देवदास, तुम गिर गए। तुमने शराब पीना शुरू कर दी। मुझे शराबियों से नफरत है, लेकिन तुम्हें शराब पीते देखकर नफरत नहीं, दुख और अफसोस होता था। एक रोज तुमने कहा था कि हम रंडियां बेगैरती बेइज्जती जोर और सितम मार पीट क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करते। उसी दिन से मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। चंद्रा, औरतों का दिल बहुत चंचल होता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देवदास, क्या पार्वती ने तुम्हें बहुत सदमा पहुंचाया? चंद्रा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया और तुम आज इसके समझने के काबिल नहीं हो। मुमकिन है पार्वती नहायत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अब तक यही यकीन है कि पहले उसी ने अपनी मोहब्बत जाहिर की होगी। और उसको तुमसे कितनी मोहब्बत है, ये कोई मेरे दिल से पूछे। चंद्रा, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछ, ये खरिश कहां से होती जो जिगर के पार हो। चंद्रा, इससे क्या फायदा? कुछ नहीं। देवदास, मैं समझती हूं कि तुम इन बातों से परेशान होते हो, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है जब तुम्हें जिससे मोहब्बत न हो वो इजहार मोहब्बत करे। लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि पार्वती के लिए कह रही हूं। अच्छा चंद्रा, अब मैं जाता हूं। अच्छा, तुम जहां भी जाओ मुझे इसकी खबर करना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, शर्माना नहीं। पानी सरकारी ला सरकारी अभी क्या हुआ? अभी लाया सरकार, आपको पूरी दो। अरे पूरी ला, पूरी पूरी पूरी, एक गिलास पानी को तो दो। एक गिलास पानी दो, समोसे ले जाओ, कुछ कचोरी ले भाई। अरे बूंदी ला, बूंदी रायता ला, रायता अभी लाया, चांद नहीं लाया अभी। ना एक गिलास पानी दो भाई, लीजिए सरकार। ला भाई पान रुकना दो। ये लीजिए दो पूरी, अचार तो लाओ। यशोदा आ गई। आ गई? यशोदा आ गई? जी हाँ। कुछ नहीं, मेरी खुशी इसी में है। बेटी, क्या तुम मुझसे रूठी रहोगी? रूठी? नहीं नहीं, रूठना कैसा? हाँ और क्या,
ये तुम्हारे पिताजी का घर है। इतना बड़ा मकान, कितने नौकरों चाकरों की जरूरत है। मुझे भी अपनी खादिमा समझो। छी बेटी, मुझ पर नाराज होना तुम्हें जेब नहीं देता। मुसीबतों की मारी हुई हूँ, तुम लोगों की मेहरबानी के भरोसे पर पड़ी हुई हूँ। माफ कीजिए माताजी, अपनी नादान लड़की के कसूर को माफ कीजिए। माताजी की जबान में अजीब जादू है। नारायण नारायण, आप हंस रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? धर्मशाला तामीर हो चुकी है, कुएं खुदवाए जा रहे हैं, गरीब गुरबा को खरात बांटी जा रही है, ब्राह्मण हर रोज भोजन करते हैं, अब क्या नया मंदिर बनवाया जाए? क्या तुम इसके खिलाफ हो? खिलाफ? नारायण नारायण, मैं मंदिर बनाने के खिलाफ? मैं तो आपकी राय लेने के लिए आया था कि क्या काम शुरू कर दिया जाए। जगन्नाथ, जब माताजी ने कहा है कि मंदिर बनवाया जाए तो फिर जरूर बनवाया जाए। बेशक। तुम माताजी की उदूल हुक्मी नहीं कर सकते, जो वो कहें जरूर होना चाहिए, समझे? जी हाँ, लेकिन वो तो कहती है कि आपकी शादी की जाए। बेशक। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। गजब क्या हुआ जगन्नाथ? क्या कहूँ सरकार, कुछ ना पूछिए सरकार, सितम हो गया सरकार। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ क्यों? क्यों? हाँ, आप कैसे जान सकती हैं? उस रोज गरीबों को बांटने के लिए आपने मुझसे कुछ कपड़े लाने के लिए कहा था ना, मैं मोहन बाबू के कपड़े उठा लाया। आज बहू रानी ने कहा कि वो कपड़े कहाँ है, मैंने कहा कि बक्स में, तो कहने लगी कि बक्स कहाँ है, मैंने कहा बक्स तो खो गया है, तो कहने लगी अच्छा ये सब नुकसान तुम्हारी तनख्वाह में से पूरा किया जाएगा। नारायण, अब भगवान जाने क्या होगा। कुछ नहीं, ये लो। नहीं नहीं नहीं, नारायण नारायण नारायण, आप मेरा मतलब नहीं समझी, आपने मैंने किया है। ये सब तुमने मेरे ही लिए किया है, इसकी जिम्मेवार मैं ही हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते, जो करता है वो भरता है। लेकिन जो करता है वो भरता है। जो करता है वो भरता है। क्या? एक कुर्ते और धोतियों के लिए। क्या तुम नशे में हो? तो भी ऐसी बात है, मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। अच्छा, आज फिर ये पैमाने छलकने वाले हैं। तुम्हारे पल्ले पड़े हूँ, अब तो तमाम उम्र रोते ही कटेगी। आखिर हुआ क्या? तुम्हारी आंखें होती तो तुम सब कुछ देख सकते। मालूम है आजकल किस तरह रुपया लुटाया जा रहा है, कहीं सदा व्रत लगे हुए हैं, कहीं खैरात बट रही है, वो तो अपनी आकबत सुधार रही हैं,
लेकिन इस घर का तो दिवाला निकाल रही हैं। उनके कोई बच्चा वाला नहीं, लेकिन हमारे तो बाल बच्चे होंगे। तुम किसका जिक्र कर रही हो? माता जी का? और किसका? तुम तो दूध पीते बच्चे हो, गोया कुछ समझते ही नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर अपना फर्ज अदा कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारे बाप के घर तो किसी को पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता। तुम एक जागीरदार के घर के अखराजात क्या जानो? कहा, और आपकी नम्मा जान के घर में तो गोया हाथी झूल रहे हैं। क्या कहा? माता जी, माता जी, आपने ये मेरी शादी करके मुझे किस अजाब में फंसा दिया है? उसके साथ मेरी नहीं निभ सकती। क्यों, क्या हुआ? आप पर इल्जाम लगा है, इतनी हिम्मत पड़ गई? या तो उसे उसके बाप के घर भेज दीजिए, नहीं तो जहाँ मेरे सिंह समाएंगे मैं चला जाऊंगा। क्या फिर बहू रानी से झगड़ा हो गया? उसने तुम्हें छेड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन मेरी बहू रानी तो खतरनाक नहीं है। अच्छा चलो। बहू रानी, क्या झगड़ा हो गया? माता जी, मेरी गलती थी, लेकिन दाइयों ने अखराजात के बारे में झूठ सच। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मैं इतनी सुघड़ नहीं जो घर के अखराजात की अच्छी तरह देखभाल कर सकती। मोहन, बिला कसूर गुस्सा ना किया करो। शौहर की बेहतरी के लिए औरत जो कुछ करे, अगर वो बेजाब भी हो तो माफ कर देना चाहिए। बहुरानी तो इस घर की लक्ष्मी है। क्यों, क्या पानी लेने नहीं जाओगे? जाऊंगी। ये चिट्ठी किसे लिख रही हो? पार्वती को। उस दिन जब मैं पानी लेने जा रही थी, देवदास बहुत ज्यादा शराब पिए हुए शिकार खेलने जा रहा था। देवदास, देवदास, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। सुख के अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही, सुख के दिन थे एक स्वपन था, सुख के दिन थे एक स्वपन था, सुख के दिन थे एक स्वपन था, अब दिन बीतत नाही मोरे,
अब दिन भी सपना है दुख के, अब दिन भी सपना है। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा छाया चारों अंधेरा, अब कछु सूझत नहीं मोरे, अब दिन दीखत नहीं सुख के, सुख के। डर गए मुझसे, डर गए। मनोरमा, खैरियत से तो हो? हाँ, खैरियत से हूँ। सलामत रहो बहन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। देखो मनोरमा, इससे पार्वती को दुख होगा, मैं जानती हूँ पार्वती को दुख होगा, लेकिन मैं उससे ये नहीं छुपा सकती। Oh,
रतन? हाँ, तुम्हारा किराया अदा कराया हूँ, किलो रसीद और बकाया 9.5 आने। कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं, दुश्वारी तो कोई नहीं हुई। हाँ, एक बहुत बुरी खबर सुनी है। क्या सुना है? कि छोटे बाबू बहुत तकलीफ में हैं और उनकी जायदाद वगैरह बड़े बाबू ने छीन ली है। छोटे बाबू देवदास? हाँ देवदास। चलें, पानी आ रहा है, छत की मरम्मत होने वाली, अजीब मुसीबत है। रतन, तुम्हें कुछ मालूम है कि वो आजकल कहाँ है? कौन? देवदास। कलकत्ते में और कहाँ। सुना है कि बहुत बीमार है, लेकिन ठहरे कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। रतन, क्या ये खबर सच्ची है? सुना तो ऐसा ही है। अच्छा चलें, पहले मुझे दूध लेने बाजार जाना होगा, फिर सीधा घर जाऊंगा। अगर खाली हाथ गया तो बीवी नाराज हो जाएगी, अजीब मुसीबत है। दयाल, मुझे अपना रुपया चाहिए। क्या बात है, एकदम रुपए की जरूरत पड़ गई? मुझे फिर कमरा लेकर बैठना पड़ेगा। ए, अलमारी इधर लाओ, इधर। देखो संभाल कर रखो, टूट न जाए। देखो देखो, सीधा रखो सीधा। बहन कब आई? अभी अभी। जो जो आपका चीज ज्यादा होता है, खूबसूरती भी ज्यादा होती है। अच्छा बहन, तुम कुछ जानती हो कि देवदास आजकल कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती। गोपाल, तुम्हें कुछ देवदास का पता मालूम है? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बेनी, 2 महीने तो हो गए, देवदास कहाँ है? तुम भी अजीब हो, जब देखो देवदास देवदास। अरे हरिसन रोड वाले वो मारवाड़ी बाबू मेरी जान खा गए, 500 रुपया मावार। क्यों, क्या कहती हो? लेकिन देवदास कहाँ है? चलो घर चलो।
मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ। क्या तुम शराब पियोगे? शराब जरूर पीऊंगा। अरे वाह रे मेरे हमदर्द, वाह वाह वाह, जरूर पीऊंगा। प्यारी क्या तुम मुझे पहचानती हो? हाँ पहचानती हूँ। से कहूँ पी के बना पिया कल तुम मुझे कहाँ से चुरा लाई? चुरा कर नहीं लाई, एक नायाब मोती जिसे दुनिया कंकर समझ कर ठुकरा रही थी, रास्ते में पड़ा देख कर उठा लाई। ये क्या तुम कब आई हो? सर से लेके पैर तक जेवरों से लदी हो, ये सब किसने दिए? फिर वही बात, ये मुलम्मा किए हुए हैं, यहीं से खरीदे हैं। देखो तुम्हारे लिए कितना बेकार पैसा सर्फ हुआ, और एक तुम हो के कल मुझे पहचान भी न सके। हाँ मैं वाकई तुम्हें नहीं पहचान सका, मगर तुम्हारी सेवा को पहचान गया, और कई बार ख्याल आया कि सिवाय मेरी चंद्रा की और मेरा इतना ख्याल कौन कर सकता है। देवदास अब मुझसे उतनी नफरत नहीं रही ना? नहीं बल्कि अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत है। देवदास जिगर में दर्द हो रहा है। हाँ ये तुमने क्या गजब किया? चंद्रा क्या एक बार? अच्छा छोड़ो, कहो। चंद्रा एक बार धर्मदास को बुला भेजो, उसे कहो कि फौरन चला आए। अकेला ये क्या किया देवदास? कुछ नहीं धर्मदास, मुझे इस वक्त किसी की इल्तजा याद आ रही है और अपना वायदा। डॉक्टर कहाँ है धर्मदास? डॉक्टर साहब। ओ इट्स नथिंग, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख के देता हूँ, ला देना। Thank you.
ये सामान नीचे गाड़ी पर रख दो। देवदास, रेल का वक्त आ गया। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। अच्छा चंद्रा, तो अब मैं जाता हूँ। फिर कब मुलाकात होगी? मुलाकात नहीं चंद्रा, शायद अब और मुलाकात ना हो। तो कभी मुलाकात ना होगी? नहीं, क्योंकि अब ये सब बेसुध है। चंद्रा, गमगीन ना हो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हें कभी ना भूलूंगा। पार्वती से मैंने मोहब्बत जरूर की, लेकिन उसको अपना ना बना सका। अब दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी हो, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? यही मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लो, जान छूटी और लाखों पाए, और हटके बुद्धू घर को आए। ओ भाई, खूब याद आया। अच्छा लो, तुम लोग बैठो अब भी। हाँ अब भी। लाला चुन्नीमल, बीबी साहिबा का क्या हाल है? जिस दिल पर नाश था उन्हें, वो दिल नहीं रहा। कोई जाबो दास, आखिर कहाँ जा रहे हो?
और क्यों इस तरह मारे मारे फिर रहे हो धर्मदास? अब ठोकरे खाने के सिवा और कोई चारा नहीं। क्या सोच रहे हो देवदास? मैं सोच रहा हूँ कि वैसे तो मेरे दुनिया में सभी हैं। माँ है, भाई है, पार्वती है और एक चंद्रा भी है, लेकिन मैं किसी का नहीं। इस आवारा गर्दी को छोड़ो, चलो वापस चले। अभी मेरा जाने का वक्त नहीं आया धर्मदास। कितना है? काफी है। धर्मदास, अब मेरा जाने का वक्त आ गया, तो चलो तुम घर चलो। नहीं, घर जाने का वक्त नहीं, बल्कि मेरा इस दुनिया से कूच कर जाने का वक्त आ गया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मामूली सा बुखार है, घबराने की कौन सी बात। चलो काशी चले माँ के पास। नहीं नहीं धर्मदास, मैं माँ को मुंह नहीं दिखा सकता। चलो मुझे कलकत्ते ले चलो। कलकत्ते? हाँ, मुझे कलकत्ते ही ले चलो। अच्छा चलो। देवदास, देवदास, क्या हुआ देवदास? बहुत तकलीफ आज, आज धर्मदास, आज क्या मैं पहुंच सकूंगा? तो घबराओ मत, कल सुबह हम कलकत्ते पहुंच जाएंगे। कलकत्ते? नहीं नहीं, मैं उसे जबान दे चुका हूँ। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने तो कहा था कि आऊंगा। जैसे कोई अब क्या हाल है? क्या हुआ था? आपके हाथ से पूजा की सामग्री गिर गई थी। हाँ। चलिए अब जरा आराम कीजिए। धर्मदास, खून, पारू,
क्या हुआ? क्या हुआ माता जी? कुछ नहीं, डर गई है। जाओ अब तुम सब आराम करो। गाड़ी चाहिए हजूर? हाँ। क्या तुम गोविंदपुर में राय साहब के मकान तक पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं, आइए। कब पहुंचेंगे? दो दिन। हाँ हाँ, दो दिन लगेंगे। दो दिन? क्या मैं दो दिन और जिंदा रह सकूंगा? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो। जरा मैं बैल ले आऊं। गाड़ी वाले क्या मुझसे कह रहे हैं हजूर? हाँ भैया, अब और कितना रास्ता बाकी है? क्या ये कभी खत्म ना होगा? हजूर अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 कोस है। 6 कोस? भाई जरा जल्दी करो, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। बहुत अच्छा हजूर। रहने अंधेरी रास्ता दूर है, रहने अंधेरी रास्ता दूर, हक का गुलाम गया है। यह है कौन? कौन मर गया? कौन कौन? देवदास। कौन मर गया है? मैं नहीं जानता जी, मोहन बाबू को सब कुछ मालूम है। मोहन, मोहन कौन मर गया है? देवदास। कौन? देवदास? कैसे मालूम हुआ? जेब से 2 खत निकले, एक रामदास का लिखा हुआ था। हाँ, वो भाई है। दूसरा काशी से हरिमती देवी ने। हाँ, वो माँ है। हाथ पर नाम लिखा हुआ था। हाँ, वो कलकत्ते में लिखवाया था। एक नीले रंग की अंगूठी थी। हाँ, वो मेरी निशानी थी। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। कहाँ? देवदास के पास।
माताजी, माताजी, उसे चंदन। नहीं नहीं मोहन नहीं, तुम नहीं जानते, उसने कहा था मैं जरूर आऊंगा। आप कहाँ जा रही हैं? देवदास के पास। हाँ, ये क्या? माताजी जा रही है। कहाँ? देवदास के पास। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? तेरी मौत खड़ी हो सरहाने जी भर, तेरी पानी पे हो जाए वो जलवागर। तेरी मौत तेरी जान में आ जाए जान अगर, तेरी जान में आ जाए जान अगर, तुझे प्यार से देख ले एक नजर, तुझे प्यार से देख ले एक नजर। तेरी मौत खड़ी हो सरहाने जिधर, तेरी बाली पे हो जाए वो जलवागर। तेरी मौत तुझे जाए मुसीबत पे भूल सभी, तुझे जाए मुसीबत पे भूल सभी, उनका एहसान भूल सको ना कभी, तुझे जाए मुसीबतें भूल सभी, उनका एहसान भूल सको ना कभी। निकले हो जरमान दिल के सभी याद, निकले हो जरमान दिल के सभी वो जो प्यार से देख ले एक नजर। तेरी मौत तेरी मौत खड़ी हो सरहाने जिधर, तेरी बाली पे हो जाए वो जलवागर। तेरी